क्रिकेट के लिए मशहूर भारत में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और उपलब्धियों के कारण रिटायर होने के बाद भी याद किए जाते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। वह बाएं हाथ के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट, वनडे और आईपीएल मैचेस में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किए और उन्हीं प्रदर्शनों के कारण उनके नाम आज कई रिकॉर्ड्स भी हैं। दादा के अलावा सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा जैसे नामों से बुलाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से सौरव गांगुली ने अपनी जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करके क्रिकेटिंग जगत में ये मुकाम हासिल करा। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंदीदास गांगुली है। इनका जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ। सौरव के पिता चंदीदास गांगुली की गिनती कोलकाता के रईस लोगों में होती थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि सौरव का बचपन ऐश और आराम से भरपूर रहा था। फिर उनका रुतबा और लाइफस्टाइल ऐसा था कि लोग उन्हें महाराजा बुलाते थे। सौरव ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के फेमस स्कूल सेंट जेवियर स्कूल से करी। इस दौरान उन्हें फुटबॉल खेलने में काफी इंटरेस्ट आता था क्योंकि कोलकाता में फुटबॉल काफी लोकप्रिय है और सौरव पर भी इसी का असर था कि वह फुटबॉल के प्रति आकर्षित थे। लेकिन बाद में उनके बड़े भाई ने उन्हें क्रिकेट खेलने की सलाह दी और उन्होंने उन्हीं की सलाह मानकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जल्दी ही क्रिकेट की तरफ लगाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस खेल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर अपनी लगन और मेहनत से ऐसा तालमेल बिठाया कि वह भारत के चमकते सितारों में गिने जाने लगे। सौरव ने स्कूल के दिनों से ही अपने बल्ले की धमक को दिखाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने बंगाल की अंडर 15 टीम की ओर से ओडिशा के खिलाफ खेलते हुए सेंचुरी बनाई थी। उनके शाही और ऊंचे अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें इसी टीम में एक्स्ट्राज के तौर पर चुना गया था तो एक मैच के दौरान उन्हें खिलाड़ी को पानी पिलाने को कहा गया तो उन्होंने इस काम के लिए साफ मना कर दिया था और मैच छोड़कर चले आए थे। हालांकि इस बर्ताव के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था और टीम से भी निकाल दिया गया था क्योंकि ऐसा बर्ताव स्पोर्ट्समैनशिप का तिरस्कार करता है। ये और ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स थे जिन्होंने सौरव गांगुली को हम्बल बनाया और ये सिखाया कि बाहर कोई कितना भी अमीर या गरीब क्यों ना हो पर जब वो इंसान फील्ड पर उतरता है तो वो एक स्पोर्ट्समैन होता है और टीम का हर स्पोर्ट्समैन बराबर होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी में अच्छा खेलने के कारण उन्हें 1992 में वेस्ट इंडीज टूर के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। इस तारीख से उन्होंने 11 जनवरी 1992 को गाबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल वनडे मैच खेला। यहां उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने पहले मैच में केवल 3 रन बनाए। करियर के लिहाज से ये दौर उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ लेकिन फिर उन्होंने पूरा फोकस करा और खुद पर काम करते हुए धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी और बल्ला सही चलने लगे। सौरव गांगुली के खेल में जोश और जुनून का अनोखा संगम था। ऑफ साइड में दमदार शॉट्स लगाना और काफी ऊंचाई से शॉट्स लगाकर बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना सौरव के खेल की विशेषता थी। हाँ, लेकिन ऑन साइड स्ट्रोक्स ना खेल पाने की वजह से सौरव को केवल टेस्ट मैचेस के योग्य ही समझा जाने लगा। लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस अफवाह को भी खत्म कर दिया और वर्ष 1997 में कनाडा के टोरंटो में खेले गए सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार पारी खेली। इस मैच में सौरव ने शानदार 75 रन तो बनाए ही, साथ ही साथ 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट्स भी निकाले और इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से सौरव को 4 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और फिर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी चुना गया। उसी साल उन्हें वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए बेस्ट बैट्समैन डिक्लेयर किया गया था। सौरव को 1999 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग के तौर पर रखा गया जहां उन्होंने 183 रन की पारी खेलकर कपिल देव का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। उस समय ये रिकॉर्ड वनडे मैचेस में किसी भी बैट्समैन के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोर था। वर्ष 1999 सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर का सबसे शानदार वर्ष था। इस साल उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 5 वनडे मैच सीरीज और पेप्सी कप दोनों में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। सौरव गांगुली की लीडरशिप में भारतीय क्रिकेट टीम में कई युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। उनकी टीम में जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे युवा खिलाड़ी तो थे ही, साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का भी उन्होंने टीम की बेटरमेंट के लिए सही फायदा उठाया। उन्हें अपनी टीम में जोश और जीत के प्रति जज्बा भरने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा।
हालांकि खेल के दौरान मैदान पर अपने साथी खिलाड़ियों पर गुस्सा दिखाने और विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ झगड़ने की वजह से वे कई बार क्रिटिसिज्म का भी शिकार हुए थे, लेकिन इन सबकी परवाह ना करके सौरव जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे और देश की जनता उनके इस भाव को पूरी तरह से समझती थी। सौरव गांगुली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में एक ऐसे सफल कप्तान रहे हैं जिन्होंने 49 मैचेस में भारत की लीडरशिप करी और उनमें से 21 मैचेस में इंडिया टीम को जीत दिलाई। वह दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी। सौरव 10,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज रहे। सौरव ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे मैचेस में 10,000 रन, 100 विकेट्स और 100 कैचेस का रिकॉर्ड है। इन्हें अर्जुना अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, बंगाल विभूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। सौरव गांगुली की पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उन्होंने डोना रॉय नाम की लड़की से शादी करी। सौरव गांगुली के परिवार वाले इनकी शादी के निर्णय के खिलाफ थे, जिस वजह से उन्होंने 1996 में डोना से चोरी छुपके कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन जब उनके परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और उनकी फिर से सभी के सामने रस्म और रिवाजों के साथ फरवरी 1997 में शादी करा दी गई और फिर 2001 में उनकी बेटी सना का जन्म हुआ। अगर आप में से कोई सौरव गांगुली का फैन है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं कि सौरव गांगुली ने कौन से मैच में ड्रेसिंग रूम में अपनी शर्ट उतारकर डांस किया था। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।